अब आ गए हैं आपके बीच रॉयल इवेंट एंड डेकोरेशन आपके शहर सिलवास में। तो देर किस बात की, डेकोरेशन को करवाने के लिए अभी कांटेक्ट करें रॉयल इवेंट एंड डेकोर से। यहाँ पर सिलवासा में कम से कम पिछले 9 से 10 सालों से गणपति बापा की मूर्ति बेच रहे हैं और अभी अगर आप देखिए तो पहले से लोगों में गणपति बापा के प्रति प्रेम और आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे मुझे मेरे अनुभव के हिसाब से अगर कहा जाए कि प्रथम यहाँ पर हम जब मूर्ति बेचने लाते थे तो उसमें कोई खास तौर पर महाराष्ट्रीयन लोगों की दिलचस्पी इसमें ज़्यादा दिखाई देती थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो महाराष्ट्रीयन लोगों के साथ साथ गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, केरला हो, राजस्थान हो, सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी गणपति बापा की मूर्ति में दिखाई देती है। और आप देख रहे हैं संडे का दिन भी है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर ग्राहक गणपति बापा को लेने के लिए आ रहे हैं और बहुत अच्छी संख्या में और लोग मूर्तियां लेके जा रहे हैं। ये पिछले 4-5 सालों से टोटल इको फ्रेंडली मूर्ति हम बेच रहे हैं। POP की मूर्ति हमारे यहाँ प्रदेश में ऑलरेडी बंद कर चुके हैं और इसके जगह पर इको फ्रेंडली मिट्टी के या तो कागज की मूर्तियां हम बेच रहे हैं। POP से थोड़ी सी महंगी होती है इसलिए कुछ भक्त नाराज जरूर होते हैं महंगे होने की वजह से, लेकिन कुछ लोग खुश भी है कि मूर्ति का अपमान नहीं होता है। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो POP का जो मूर्ति होता था वो POP की मूर्ति जब विसर्जन के बाद टुकड़े टुकड़े करके काफी दिनों तक महीनों तक बिखरे पड़ा रहते थे, तो भी वैसे न होते शाड़ू की मिट्टी तुरंत 2-3 घंटे में 4 घंटे में पिघल जाती है और अपने आस्था का अपमान भी नहीं होता, इसलिए लोग भी काफी खुश है कि मिट्टी की मूर्तियां मार्केट में बिक रही है। धन्यवाद।